आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड से आ रही है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र के बरडीहा मोड़ के समीप भवन में जनधिकार पार्टी का एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया। इस बैठक का नेतृत्व जहां पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल साहब ने किया, जबकि संचालन राजपुर प्रमुख सह जाप नेत्री अनिता यादव ने की। इस बैठक में सोशल डिस्टेंस की भरपूर ख्याल रखा गया। इस दौरान दर्जनों लोग ने जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कार्यप्रणाली पर विश्वास जताते हुए पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से जिलाध्यक्ष को फूल मालाओं से सम्मानित किया। हुए हैं कोरोना से कि लग रहा है कि वो रहेंगे तभी पूरा बिहार रहेगा। दूसरे के माँ बहन के बेटे को या फिर माँ बहन को उनकी चिंता ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ की जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है, जीरो पर आउट है। आप कहीं भी आप जाइए आपको एक सुलभ तरीका से दवा नहीं मिल पाएगा। ये तो कोरोना बहुत बड़ा महामारी है और पता नहीं कोरोना में जांच, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि कोरोना के जो जांच है उसका एक ये बताया गया है कि उसका लक्षण ये रहेगा तो कोरोना होगा। पता नहीं स्वस्थ लोगों को भी कोरोना कैसे पॉजिटिव हो जा रहा है, सबसे पहले ये सवाल करने का एक विषय है। दूसरी बात है, यदि इतने लोग कोरोना से हैं तो उनकी व्यवस्था की चिंता सरकार को क्यों नहीं है? इतना दिन से कोरोना महामारी चल रहा है और मेरे अनुमंडल में अब जाकर के व्यवस्था किया गया है, अब अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी जब अपने जान के परवाह हैं तो उनको यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि आपको इस राज्य को मुखिया इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप स्वयं की चिंता करें। ना आपको बाढ़ के विषय में यहाँ की जनता की चिंता है, ना कोरोना के विषय में यहाँ की जनता की चिंता है। आपको किसी भी विषय पर आप जनता की चिंता नहीं करते हैं। सर, इस पार्टी को जुड़ने का यही उद्देश्य है कि हमारे लायक पप्पू यादव नेता हैं जो कि पूरा गरीबों को अपने जिधर जिधर भी जाते हैं जो गरीब को पूरा कर रहे हैं सहायता, इसीलिए हम इस पार्टी में जुड़े हैं उनके व्यवहार और विचार पर कि जो कि अपना जान जोखिम में डालकर भी बाढ़ में उतना भारी शरीर लेकर जाकर गरीबों तक हाथ बटाने का काम करते हैं, सहयोग करने का काम करते हैं। हम इस पार्टी के तन मन धन से आज हम जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए और हम लोग अपना पार्टी को पूरी तरह मजबूत करेंगे, मजबूत कर आगे भी बरियार जनधार बनाएंगे। सरकार जिस ढंग से विफलता की ओर चली जा रही है और हम लोगों ने 15 बरस लालू यादव जी को भी देखा और 15 बरस नीतीश कुमार को भी देखा है, जो हालात परिस्थिति जो जहां बिहार था उससे बदतर स्थिति हो गया है। देखिए, आज़ादी के बाद से जब से हम लोग पैदा लिए ऐसा महामारी हम लोग को रिजी में देखने को नहीं मिला। यह पहली बार कोरोना महामारी जो आया है, ना कहीं दवा है ना कहीं इलाज है। आज तरहिमाम संदेश लेकर के आम पीपुल रोड करार करके करा रही है और यह सरकार कान में रूई डाल करके सो रही है। सोचिए कि जो बिहार का मुखिया है वह खुद ही सोया हुआ है, वह राजगीर भाग गया था कोरोना महामारी को लेकर के। जब उसके घर में कोरोना पैदा हुआ, उसकी भतीजी और जब कोरोना की महामारी हुई घर में कोरोना आ गया तो यह भाग करके राजगीर में अपना जान बचा रहा था। सोचिए कि जिसको हम मुखिया बनाए हैं कि उसको पब्लिक के हित में जनहित के सवाल पर जनता के मुद्दों को लेकर के आज पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। और यह सरकार देखिए, सरकार का मुखिया भाग करके राजगीर में अपना गेस्ट हाउस में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तो ऐसी हालात में छोड़ दिया है बिहार को। ऐसी चीज़ों को लेकर के जन अधिकार पार्टी, अब बाढ़ के सवाल पर माननीय पप्पू यादव जी को देख लिए, पप्पू यादव जी ने बाढ़ का सवाल हो या कोरोना का सवाल हो, कोरोना के सवाल में जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, कर्नाटक से, गोवा से, दिल्ली से जो मजदूर फंस गए थे, जो आने में असहाय थे, उन लोगों को हम लोग दिल्ली से सब लोगों को पैसा उन लोगों के खाता में भेज करके, सब लोगों को गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था करके, ट्रेन का हम लोग को नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ट्रेन का पैसा दिया और उसके बदौलत हम लोगों ने वहाँ के मजदूरों को भेजा और मजदूर यहाँ आए। जब मजदूर आए तो सरकार कह रही है कि यह प्रवासी मजदूर हैं, बताइए हम घर में हैं, यहाँ से हम गए हैं कहीं दूसरे जगह कमाने के लिए और यह सरकार कह रही है कि इसे प्रवासी मजदूर हैं, बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? मेरे घर के बेटा को, मेरे घर के भाई को और मेरे मजदूर को, मेरे मजदूर करने वाले मेरा भाई ही थे जो बाहर में अपने बाल बच्चों को जिलाने के लिए बाहर गए थे, वैसे उन लोगों को कह रहा है ये प्रवासी मजदूर है, दुर्भाग्य है। जितना भी डॉक्यूमेंट आया होगा जिला पदाधिकारी के यहाँ, चाहे ब्लॉक स्तर पर भी आप लोग देखे हों, चाहे मीडिया के माध्यम से भी लोग बोलता है तो उन लोगों को प्रवासी मजदूर बोलता है। या जन अधिकार पार्टी प्रवासी मजदूर नहीं समझ रही है, यहाँ के इन लोगों को घर के हम लोग बेटा भाई समझ रहे हैं, बेटा भाई हमारा बाहर
बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बाहर गया था कमाने के लिए, वह मेरे घर आया है। हम आदरपूर्वक उनका सम्मान करते हैं और जो उनको सुख दुख है, जो गरीबी अमीरी के सवाल पर हम लोग को लड़ना है, जन अधिकार पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। चाहे बाढ़ का समाज हो, बाढ़ का समस्या हो या कोरोना का समस्या हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के जन अधिकार पार्टी जनता के बीच में, जनता के सवाल पर पप्पू यादव जनता के बीच में है। आप लोग से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। पर डे आप लोग न्यूज फेसबुक व्हाट्सअप देख रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि पप्पू यादव जी कैसे कैसे रात में जा करके सिवान में, छपरा में, बेतिया में, गोपालगंज में, मधुबनी में, पूर्णिया में, सहरसा में, सुपाल में। रोहतास से जिला रिपोर्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।